अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल सदिया आले पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि राखलौकी के अंदर का जो हिस्सा है ना, उससे भी एक बहुत अच्छा रेसिपी मतलब भाजी बना सकते हैं हम, जिस तरह से आलू को भाजी करते हैं ना, उस तरीके से। तो दोस्तों, कई बार देखा है कि लोग इसके अंदर का जो हिस्सा है ना, उसको फेंक देते हैं। अगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, तो उसको फेंकने के नाम नहीं लेंगे दोबारा। तो दोस्तों, इसको कैसे शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम राखलौकी का जो अंदर का हिस्सा है ना, उसको ऐसे निकाल देंगे। तो इसका बाहर का जो हिस्सा है ना, इससे भी मैंने एक रेसिपी बनाया है, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए ना, इसको हम पहले इसको इस तरीके से काट कर लेंगे। इसको हम इसे बारीकी से काट करेंगे। इसको ना आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, यम्मी है। तो हमारा जो ये है ना, वो काट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ख़त्म ही हो गया है। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा प्याज ले लिया है, 3 हरा मिर्ची ली है, तो इसको भी मैंने काट कर लिया है। आप डाल देते हैं कढ़ाई को बिठा के ना, उस पर बिठा के कढ़ाई को क्या है यार, कढ़ाई को रख के ना इस पर तेल डाल दी है। इसको गर्म करके हम इस पर डाल देंगे प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक ना इसको फ्राई करते रहेंगे। अब हमारा प्याज जो है ना, वो फ्राई हो गया है। अब हम इस पर डाल देंगे ये लौकी को, हम इस पर डाल देंगे। तो अब हम इस पे जो मिर्ची ली है ना, उसको भी डाल देंगे। ऐसे 2 टुकड़ों में काट करके इस पे हम डाल देंगे। अब इस पे कलर के लिए हम थोड़ा हल्दी को यूज़ करेंगे, कलर के लिए भी डालते हैं और डालते हैं, हम सदियों से डाल के आ रहे हैं। तो अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यार मैं तो इस पे भूल ही गया नमक डालना, तो नमक डाल दिए है। आप लोग अपना सामान समझ के ही नमक डालिएगा। तो हमारा भाजी बन के एकदम तैयार है। तो दोस्तों, मैंने नमक देने के बाद ना, इसको मीडियम फ्लेम पे करके गैस को ना 8 से 10 मिनट तक रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद मैंने और 10 मिनट इसको एकदम लो फ्लेम पे रख दिया था, कि ये जो ब्राउन कलर आ रहा है ना, वो भाजी में अगर ऐसा है तो अच्छा लगता है खाने में। तो हमारा जो भाजी है एकदम बन के तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी जो ये वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगे। यार इस यही उम्मीद के साथ तो देते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे, खूब सारा प्यार दे। तो अगर कोई मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।